झगड़ा हो गया जिस तो बाद एक धिर ने दूजी धिर के घर जाके गोलियां चला दित्तियां। तरन तारण के थाना सराय अमानत खां के पिंड मियांपुर विच वॉलीबॉल नैट लगाउण नूं लैके होए झगड़े विच एक धिर वल्लों गोलियां चला के तीन नौजवानां नूं जख्मी कर दिता गया जिन्हां नूं तरन तारण के सरकारी हस्पताल रैफर कर दिता गया जिथे जख्मी नौजवानां दे परिवारक मैंबरां दे बणदी सहायता ना मिलन दे दोष लगाए। इस मौके जख्मी नौजवानां ने दस्सिया कि पिंड विच उन्हां दी मामूली तकरार राजवीर सिंह नाल होई जिस वल्लों अपने साथियां समेत उन्हां दे घर विच दाखल हो के हथियारां नाल हमला कर अन्नेवाह गोलियां चला दित्तियां गईयां। जख्मी नौजवानां ते उन्हां दे परिवारां ने उक्त दोषियां खिलाफ बणदी कारवाई करन दी मंग कीती। ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਣੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੋ ਜਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਖੜੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਣੇ ਦੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ? ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫਟੜ ਹੋਏ ਤੇ? ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। इस मामले ते पुलिस दा कहना है कि दोषियां खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी कीती जा रही है। पंजाब च गोलियां दीयां वारदातां लगभग हर रोज सामने आ रही हैं जो पुलिस प्रशासन की कारगुजारी ते वड्डा सवाल खड़ा कर दिया हैं। तरन तारण तो रवि खैरा दी रिपोर्ट। नवीं ते ताजा खबरां सब तो पहला देखण लई साडा यूट्यूब चैनल लाइक ते सबसक्राइब करो सांझ टीवी, अते नाल ही दबाओ घंटी दा बटन।